उद्धव ठाकरे गुट के कोंकण नेता संदेश पारकर ने सिंधुदुर्ग के संरक्षक मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र चव्हाण से मुलाकात की। इसी पृष्ठभूमि में संदेश पारकर और रविंद्र चव्हाण की मुलाकात ने चर्चाओं को तेज कर दिया है। मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कहीं संदेश पारकर बीजेपी का दामन तो नहीं थाम लेंगे। दरअसल मंत्री रविंद्र चव्हाण ने मुंबई गोवा हाईवे में बन रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण करने के लिए सिंधुदुर्ग का दौरा किया है। इस मौके पर संदेश पारकर ने उनसे मुलाकात की। इस दौरे की राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि कहीं उद्धव गुट को छोड़कर संदेश पारकर बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक संदेश पारकर पहले एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे, इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पारकर कांग्रेस में शामिल हुए और कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राज्य में रचनात्मक राजनीति करने में सक्षम है। इसके बाद पारकर शिवसेना में शामिल हो गए, लेकिन अब फिर से चर्चा है कि संदेश पारकर लगातार दल बदल रहे हैं, इसलिए चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो अब बीजेपी में शामिल होंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।